नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज जो है आप सभी के लिए बहुत ही सारी आईपीएल की न्यूज़ आ रही है, तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, नहीं तो आप लोग जो है बहुत कुछ मिस कर सकते हो। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, आईपीएल के फैन हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी जरूर याद से दबा दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल के मैच के। कल जो है भाई सर रविंद्र जडेजा हिस्ट्री बना दिए, हर्षल पटेल के एक ही ओवर में जो है 37 रन बना दिए, जो कि आईपीएल में रिकॉर्ड की बराबरी कर लिए क्रिस गेल की सबसे ज़्यादा एक ओवर में रन्स मारने का रिकॉर्ड, जिसके अंदर जो है एक नो बॉल भी थी। हालांकि ये जो है कहीं ना कहीं मैच के बाद इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया हर्षल पटेल के बारे में, तो विराट कोहली ने बताया कि हम लोग जो है हर्षल पटेल के साथ ही जो है कंटिन्यू करेंगे, एक ख़राब ओवर जो है उनकी प्लानिंग को चेंज नहीं कर सकता। हालांकि जो हर्षल पटेल है काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है पूरे टूर्नामेंट में, सिर्फ वो एक ओवर ख़राब गया उसके चलते हम लोग हर्षल पटेल को बाहर नहीं कर सकते। वो फिलहाल आईपीएल में पर्पल कैप होल्डर भी है, तो आगे भी जो है विराट कोहली हर्षल पटेल के साथ में जो है डेथ ओवर में डलवाएंगे, ये तो अलग बात थी। कल के दिन कम्प्लीटली भाई जड्डू भाई का दिन था, बॉलिंग हो बैटिंग हो फील्डिंग हो हर जगह जो है जड्डू भाई छाए थे। अब यहाँ पर दोस्तों जो है एक और झटका, एक और बुरी खबर आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से। ऑलरेडी बेन स्टोक्स बाहर है, जोफ्रा आर्चर बाहर है, लियम लिविंगस्टन बाहर है, और अभी जो है उनके बॉलर एंड्रू टाई भी जो है आईपीएल 2021 से बाहर हो चुके हैं कोविड के डर से। उनको ना इंजरी है ना कुछ है, वो जो है सिर्फ सेफ्टी मेजर के चलते, इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं इसी के चलते जो है भाई एंड्रू टाई अपने देश वापस लौट चुके हैं कोविड के डर से। तो ये जो है सारी घटना भाई सिर्फ और सिर्फ रॉयल्स के टीम के साथ में ही देखने को मिल रही है। हालांकि उनके जितने भी विदेशी खिलाड़ी है लगभग अपने घर वापस पहुँच चुके हैं, तो ये साल जो है कहीं ना कहीं रॉयल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हो रहा है। एंड्रू टाई अपने घर वापस लौट चुके हैं, लेकिन सेकंड तरफ वहीं जो है दिल्ली कैपिटल्स, इनकी बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ने जो है आईपीएल 2021 से ब्रेक लिया है। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि वो आईपीएल से कम्प्लीटली बाहर नहीं हुए हैं, वो जो है आईपीएल को बीच में छोड़ के अपने घर वापस लौट चुके हैं एक ब्रेक के तौर पे। उनकी फैमिली को जो है फिलहाल कोविड के टाइम पे उनकी आवश्यकता है, तो अश्विन ने यही बोला है कि मैं जो है थोड़ा टाइम के लिए आईपीएल से ब्रेक ले रहा हूँ और अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, जैसे जो है मतलब कि हालत ठीक होती है तब वो दोबारा से आईपीएल वापस आ जाएंगे। इसका मतलब यही है कि आने वाले कुछ मैचेस जो है अश्विन दिल्ली के लिए मिस करेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो है आप सभी के पास मौका है फ्री में 1500 रुपीज़ कमाने का और 1 करोड़ रुपीज़ कमाने का। वो कैसे, मैंने आप सभी को जो है डिस्क्रिप्शन में माई 11 सर्कल ऐप पर लिंक दिया है, इसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। फर्स्ट टाइम अगर आप लोग उसको इंस्टॉल करते हो तो आप सभी को जो है ऐप की तरफ से 1500 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा, साथ ही में जो है 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। खास बात क्या है कि यहाँ पे जो है आप लोग चैंपियन विवियस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, राशिद खान, ये सबके साथ मिलकर अपनी टीम बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है कि 1 रुपीज़ की लीग है और 1 करोड़ का विनिंग प्राइज है। आपका जो है भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, मात्र 1 रुपये आपको लगाना है, 1 रुपये की लीग है। अगर आप उस पर फर्स्ट पे आओगे आपको जो है 1 करोड़ का प्राइज मिलेगा। साथ ही में जो है यहाँ पे चलता है भाई मेगा लीडर बोर्ड, और उस पे जो फर्स्ट पे आएगा उसको 2 करोड़ रुपीज़ मिलेगा। तो भाई इस मौके को मत छोड़िए, मैं तो आपको बोलूँगा डिस्क्रिप्शन लिंक से अब भी डाउनलोड कीजिए और माय 11 सर्कल ऐप पे खेलना स्टार्ट कर दीजिए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रेस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं केन विलियमसन और सुपर ओवर। ये जो है भाई एक बहुत ही अलग कहानी है केन विलियमसन और सुपर ओवर। अभी तक जो है केन विलियमसन अपने क्रिकेट के जिंदगी में, क्रिकेट के इतिहास में टोटल 6 बार सुपर ओवर खेले हैं केन विलियमसन, और 6 के 6 बार जो है विलियमसन को सुपर ओवर का हार का सामना करना पड़ा। कल भी वैसा ही हुआ भाई, आईपीएल 2021 का पहला सुपर ओवर हुआ। हालांकि यहाँ पे जो है गलती हो गई हैदराबाद से कि डेविड वार्नर के बदले में जो है जॉनी बेरिस्टो आ सकते थे ओपनिंग में। बेरिस्टो भाई फॉर्म में भी थे, सिक्सेस भी मार रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो है वार्नर के बदले में बेरिस्टो ओपनिंग पे आ सकते थे। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आरसीबी के लिए बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है। बुरी खबर क्या है, आरसीबी की टीम स्टार्टिंग में लगातार मैच जीती, लेकिन कल जो है चेन्नई ने आरसीबी को एक तरफा हराया, ये उनको झटका लगा। सेकंड झटका, आरसीबी के 2 विदेशी खिलाड़ी एडम जेम्पा और केन रिचर्डसन, दोनों प्लेयर जो है आईपीएल 2021 से बाहर हो चुके हैं।
क्यों? क्योंकि उनको जो है भाई कोविड का खतरा लग रहा है, इसी के चलते जो है एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन दोनों जो है प्लेयर आरसीबी के टीम को छोड़ के अपने देश वापस लौट चुके हैं। हालांकि भाई खबर भी आ रही है कि मोस्ट ऑफ दी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है आईपीएल से बाहर हो सकते हैं, जिसके अंदर जो है अगला नंबर स्टीवन स्मिथ का भी लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है उनके एंड्रू टाय अपने घर वापस लौट चुके हैं, जैम्पा लौट चुके हैं और उसके बाद में जो है रिचर्डसन भी लौट चुके हैं। तब कहीं ना कहीं जो है रिपोर्ट भी आ रही है कि मोस्ट ऑफ दी जो है ऑजिस के प्लेयर ये लोग आईपीएल में बीच में छोड़ के जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं आरसीबी के तीसरे झटके की, तो वो जो है लगा है विराट कोहली को। विराट कोहली को जो है कल के मैच के दौरान स्लो ओवर रेट के चलते 12 लाख का मैच फीस का जुर्माना भरना पड़ा। हालांकि जो है स्टार्टिंग में पहले खबर आई थी कि अगर कोई भी कप्तान को दो मैच में जो है फाइन लगता है स्लो ओवर रेट का, तब उस पर जो है एक मैच का बैन लगेगा। हालांकि ये नियम जो है अभी लागू होने वाला है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विराट कोहली के लिए पैसों का नुकसान तो है ही, साथ ही में जो है उनको झटके भी लग रहे हैं, इनके विदेशी खिलाड़ी उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं PSL 2021 की। तो भाई हमको पता है PSL 2021 जो है चालू होने वाला है जून के महीने में। जैसे जो है 2021 का PSL बीच में रुक गया था, तो वो जो है जून के महीने में चालू हो जाएगा। लेकिन जून के महीने में जो है कुछ विदेशी खिलाड़ी PSL 2021 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तब इसके लिए जो है क्या हुआ, PCB के बोर्ड ने जो है PSL 2021 जून से पहले जो है कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स का ऑक्शन ड्राफ्ट रखी है, यानी कि जो प्लेयर अवेलेबल नहीं रहेगा उनके बदले में जो है रिप्लेसमेंट के तौर पे ऑक्शन ड्राफ्ट होने वाला है। तो इस जो है ऑक्शन ड्राफ्ट के अंदर कौन कौन से बड़े प्लेयर मौजूद है मैं आप सभी को बता देता हूँ। आंद्रे रसल, सिमरॉन हिटमेर, कीमो पॉल, इवेन लुइस, उस्मान ख्वाजा, एडम मिलने, निरोसन डिकवेला, साकिब अल हसन और भी जो है बड़े बड़े खिलाड़ी PSL 2021 के ड्राफ्ट में मौजूद है। अब मान लीजिए जिस भी टीम के विदेशी खिलाड़ी अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो वो लोग जो है इन प्लेयर में से चूज कर सकते हैं। एट देन बात करते हैं बाबर आजम की। तो भाई बाबर आजम जो है नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। यहाँ पे जो है बाबर आजम बन चुके हैं सबसे फास्टेस्ट प्लेयर T20 अंतर्राष्ट्रीय में, जिसने जो है 2000 रन का आंकड़ा पार किया। बाबर आजम ने जो है मात्र 52 इनिंग्स में जो है 2000 रन का आंकड़ा पार किया T20 अंतर्राष्ट्रीय में, जो कि सबसे फास्टेस्ट है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। दोस्तों फैक्ट जुड़ा है एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन्स मारने का रिकॉर्ड आईपीएल के इतिहास में। कल देखा भाई जड्डू ने एक ओवर में 37 रन मारे, जो कि रिकॉर्ड है। लेकिन इसके पहले जो है भाई एक ओवर में 37 रन क्रिस गेल मार चुके हैं, जहाँ पे जो है कोची टस्कर्स केरला इनके गेंदबाज थे प्रशांत परमेश्वरम, इनको जो है भाई गेल ने एक ओवर में 37 रन मारे थे, जिसके अंदर एक नो बॉल भी शामिल था। दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो और फैक्ट मैंने आप सभी को बता दी। आप लोग लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।